औहदा और पोजीशन अगर चला जाए तो पावर भी चली जाती है। औहदा और खिताब पावर देते हैं। आईएएस, आईपीएस, एमडी, सीईओ, मिनिस्टर, पोजीशंस लोगों को अथॉरिटी देती है और अथॉरिटी पावर देती है, लेकिन सिर्फ अच्छे व्यवहार से ही इज्जत मिलती है। इंडियन कॉन्सुलेट ने ह्यूस्टन में 500 जाली पासपोर्ट रिश्वत लेके इशू किए हैं। हम आतंकवाद की बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवादी है कौन, जिसको नकली पासपोर्ट मिला या जिसने नकली पासपोर्ट इशू किया। हम लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्टर पीआर हेग, स्विस डिप्टी मिनिस्टर, ने कहा कि हिंदुस्तानियों का 2500 बिलियन डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। इसमें अगर एक टाइपिंग की गलती भी हो तो भी बहुत बड़ी रकम है। ये अंग्रेजों ने 200 साल में इस देश को इतना नहीं लूटा जितना इस देश के गद्दारों ने 50 साल में लूट लिया है। कंट्री फर्स्ट एक्शन प्लान, जो कि समाज हित मुकदमा PIL और इंसाफ के लिए जनता के समर्थन से मुमकिन होगा, क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 4000 लेजिस्लेटर्स में से 700 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक समाज खतरे में पड़ जाता है जब आदेश देने का अधिकार उन्हें दिया जाए जिन्होंने खुद कभी आज्ञा का पालन करना सीखा ही ना हो। जिन्हें हम अपने बच्चों का गार्डियन बनाने को तैयार नहीं है उन्हें हम देश का गार्डियन क्यों बना देते हैं? भारतीय अदालतों में तकरीबन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से करप्शन केसेस सिर्फ 15,000 से भी कम है। करप्शन केसेस को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी रोजाना सुनवाई होकर उनका फैसला होना चाहिए, जैसा कि आर्थर एंडरसन केस की अमेरिका में सुनवाई हुई, उससे सिस्टम में सुधार आएगा। गवाह अपने बयान से क्यों बदल जाते हैं? गवाहों को सुरक्षा देने का प्लान हो जिससे गवाह अपनी गवाही न बदल सकें, ऐसे प्रोग्राम विदेशों में बहुत सफलता से चल रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अगर आपकी मां को कैंसर हो तो क्या आप उसे मरने दीजिएगा? हमारी भारत माता को करप्शन का कैंसर है, हम किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? एक बेहतर भारत के लिए समाधान, एक हर नागरिक को इलेक्ट करने के हक के साथ रिजेक्ट करने का हक भी होना चाहिए। दो, गवाहों को सुरक्षा देने का प्लान हो जिससे गवाह अपनी गवाही न बदल सकें और इंसाफ का मजाक न उड़ सके। और तीन, भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की रोजाना सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा करने से समाज में सुधार आएगा। कंट्री फर्स्ट का दीर्घकालीन लक्ष्य है 3 लक्ष्यों को कानून का रूप दिया जाए और अमल में लाया जाए ताकि नागरिक इज्जत और प्रतिष्ठा से जी सकें। हमें अपने आप को बंगाली, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी की बजाय हिंदुस्तानी समझना है। संघर्ष तकलीफ के लिए तैयार रहें। आजादी कभी मिलती नहीं है बल्कि हमेशा हासिल करनी पड़ती है। अटल बने, दोगलापन छोड़ें, एक अच्छे नेता या अच्छी पार्टी को पूरा सहयोग दें, एक को दूसरे के साथ लड़ाने का खेल बंद किया जाए, मेड इन इंडिया के लेबल को गर्व और प्रतिष्ठा दें। आप ये वीडियो ले सकते हैं स्कूलों, कॉलेजों में,
अस्पतालों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रियों में, रोटरी क्लब में, लायंस में, जूनियर चैम्बर में, एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जागृति पैदा कर सकते हैं। अपने पांव पर खड़े होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और अपने घुटनों को टेक कर भी जीने की कीमत चुकानी पड़ती है। फैसला आपका। हर प्रोफेशनल, चाहे पुलिस वाला हो, जज हो, वकील हो, सच्चाई और ईमानदारी की शपथ लेता है। क्या हम उस शपथ से जी रहे हैं? और अगर जी रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां हम पे गर्व करेंगी, और अगर नहीं जी रहे तो सवाल ये है, क्या हम तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? अगर आप 200 साल इंतजार करना चाहते हैं, आप ही को मुबारक। मैं नहीं करना चाहता। या तो देश बदल जाएगा या मैं बदल जाऊंगा, और अब मैं बदलने को तैयार नहीं हूं, अब देश को ही बदलना पड़ेगा। अगर देश वाली बात है तो सब हम सबसे आगे हैं। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, आई एम विलिंग टू डाई फॉर माय कंट्री। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, पूरे दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का नाम होगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, इफ यू वांट टू लिव विद रिस्पेक्ट देन लर्न टू फाइट फॉर जस्टिस। मैं अकेला देश के लिए खड़ा हूं। I like to stay in India. और आगे बढ़ेगा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश श्यामलाम मातरम वंदे। I would love to change for my country. हम ये शपथ लेते हैं, देश के लिए लड़ेंगे और देश के लिए मरेंगे। Yes, I'm proud to be an Indian. देश के लिए जान भी हाजिर है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, हम अपने शहीदों का खून बर्बाद नहीं होने देंगे। This is my country. I'm responsible to my country and I owe it to my country. अगर हम बदल जाएंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, मैं देश के लिए जरूर लड़ूंगा। I'll stand alone for my country. Well, I'm proud to be an Indian and I love to stay. It's a beautiful country. देश का भविष्य काफी उज्जवल है। But if somebody is there to lead the country for a change, I'll definitely support him and will also help generate support for that person. If my country lives, my mother will live. हम एक ऐसी आजादी बनाएंगे जब हर एक नागरिक इज्जत और प्रतिष्ठा से जी सकेगा।